नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन। सेंटर फरुखाबाद, जी हाँ, आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप इस वीडियो को देखकर ये कहेंगे कि हाँ, वास्तव में कोई वीडियो बना है। तो ये वीडियो हम बनाएंगे ट्रिपल सी के 100 प्रश्नों पर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बनेगा ट्रिपल सी के 100 प्रश्नों पर, यानी कि यहाँ से कुछ बाहर जाना मुमकिन ही नहीं है। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं हमारे वीडियो पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर दिवस, यानी कि विश्व कंप्यूटर दिवस तो ये कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान दिला दें कि विश्व कंप्यूटर दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अब हमारा दूसरा प्रश्न, जी हाँ, अब हमारा दूसरा प्रश्न आएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? व्हाट इज द नेटवर्क टाइप ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है LAN, दूसरा होता है MAN और तीसरा होता है WAN। ठीक है, ये हो जाएगा एन। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम जान लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा LAN का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। जी हाँ, आप राइटिंग पर मत जाइएगा, आप लिखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अब हमारा चौथा प्रश्न आज का, चौथा हमारा प्रश्न है बैन का मतलब क्या होता है? यानी कि डब्ल्यू का एन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, अभी मैंने बताया था नेटवर्क। ये देखिए आप, ये बहुत से सिंपल प्रश्न आते हैं ट्रिपल सी में, जिन्हें हम गलत कर देते हैं और हम फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, जल्दी से अपना देखते हैं पांचवा प्रश्न। अब बात करेंगे MAN की फुल फॉर्म क्या होती है, मैन की? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पर हमें 100 प्रश्न करने हैं, इसलिए हम जल्दी से जल्दी 100 प्रश्न करना चाहते हैं। अब बात आएगी छठे प्रश्न की। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो होगा कि OS का मतलब क्या होता है? OS, आप सभी लोगों ने कहा होगा कि कौन सा OS वर्जन है, कौन सा OS है? मोबाइलों में भी हमेशा बात आती है कौन सा OS है इसमें। तो OS का हो जाएगा ऑपरेटिंग और एस से हो जाएगा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा सातवां प्रश्न है आज का। तो हमारा सातवां प्रश्न है कि आज का कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? RAM। तो होता है हमारा RAM का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, ये स्थाई मेमोरी होती है। और दूसरा हमारा वही आठवां प्रश्न बन जाएगा ROM। ROM, जी हाँ, रैंडम तो नहीं होगा लेकिन रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, गलती हो जाती है, रीड ओनली मेमोरी इसका सही जवाब आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं कि HTTP, एच नौवां प्रश्न है हमारा, TTP, ये बहुत कम से कम 100 बार इस पे आप स्टार बना लीजिएगा, ये 100 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर, आप राइटिंग पर मत जाइए, हाइपर टेस्ट टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, HTT प्रोटोकॉल हो जाएगा, H हाइपर टेस्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे HTML की। जी हाँ, अब हमारा 10वां प्रश्न है HTML, हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा? हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसे बहुत जल्दी याद कर लीजिएगा। अब हमारे 11वें प्रश्न की बात आती है, तो हम आज बात करेंगे 11वें प्रश्न में IP। ये क्या होता है? इसके बिना मोबाइल समझो अधूरा है। इसका मतलब होता है इंटरनेट, और पी का मतलब प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ से एक और प्रश्न मिल सकता है कि IP का मतलब इंटरनेट पॉलिटिक। अब बात आती है वो POS, यानी कि 12 नंबर प्रश्न आएगा और पूछेगा POS। आपने सुना भी नहीं होगा ये क्या होता है POS, तो होता है पावर ऑफ सॉल्ट। जी हाँ, पावर ऑफ सॉल्ट इसका हो जाएगा। अब आप जानेंगे LLL का मतलब होता है, LLL। अब हमारा 15वां प्रश्न है LLL का मतलब, तो LLL का मतलब होगा लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल और लैंग्वेज, LANGUAGE, आप इसे देख सकते हैं। अब हमारा आएगा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में हम ज्ञात करेंगे USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे हम यूनिवर्सल सीरियल और बस इस प्रकार से हम जान सकते हैं। अब हमारा जो सही गलत वाले होते हैं उनमें किस प्रकार से सवाल आते हैं, आप उस प्रकार से जान सकते हैं। अब हमारा 20वां प्रश्न देख लीजिए। 20वें प्रश्न में आएगा प्रश्न कि वेब पेज से कनेक्ट करने में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ये कोई वेब पेज है और इसे हमें इससे कनेक्ट करना है, तो इस वाले छड़ को हम क्या कहेंगे? तो इस वाले छड़ को हम कहेंगे HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हमारा हो गया है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न हम जानेंगे कि वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है, हाउ टू राइटिंग द वेब पेज लैंग्वेज। तो हमारा हो जाएगा सही आंसर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हमारा आएगा कि नेटवर्क का प्रमुख केंद्रीय कंप्यूटर होता है, तो मतलब इंटरनेट चलाने में सबसे ज़्यादा किसका महत्व होता है, तो हो जाएगा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इससे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर स्टार बना लीजिएगा। अब भारत में जब बात आती है तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न हमने बहुत बार देखा है, यानी कि सवाल नंबर 25 में आप जाएंगे तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो 15 अगस्त, यानी कि जब हमारा आज़ादी वाला दिन था उस दिन 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब जो होता है हमारा नेटवर्क का सारा डाटा होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, जैसे हम अभी 30 नंबर प्रश्न है ये, तो ये पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं ये पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, और इसे हम किसी गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं, ये गड्ढा हो गया, ये नदी होगी या तालाब हो गया, इसमें जो इकट्ठा होता है तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ से ये पानी है, वैसे ही यहाँ से ये डाटा आएगा, डाटा आएगा, इसे हम देख सकते हैं डाटा आएगा, तो ये डाटा की भाषा में हम इसे सर्वर में इकट्ठा करते हैं। अब बात आएगी कि दो या दो से अधिक, सवाल नंबर 31, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैसे एक ये कंप्यूटर हो गया, एक यहाँ कंप्यूटर हो गया, एक यहाँ मुन्नू बाबू बैठे हैं, एक यहाँ मुन्नू बाबू बैठे, एक यहाँ मुन्नू बाबू बैठे, और इनको आपस में जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे नेटवर्क, इसे ही हम नेटवर्क बोलेंगे, और आगे चल के हम बताएंगे नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि नोड का काम क्या होता है, नोड हम कैसे कहते हैं। तो हमारा 36वां प्रश्न है, नोड क्या है?
तो वह कंप्यूटर, वह उपकरण जो एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ता है, उसे हम नोड, जैसे एक यहाँ पे कंप्यूटर, एक यहाँ पे कंप्यूटर, बीच के जुड़ने वाले को हम नोड कहते हैं। अब हमारा आएगा ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सवाल नंबर 40वां है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सॉफ्टवेयर, इस प्रकार से आपके आए हैं, एक हार्डवेयर, एक आउटपुट, एक इनपुट, इस प्रकार से आपके सामने चारों ऑप्शन होंगे, चारों ऐसा लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या करना है, ओएस है वो एक सॉफ्टवेयर है, ये वाला पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अब हब क्या होता है, हब ऐसा होता है कि जैसे एक एक घर की रास्ता यहाँ से आ रही है, एक घर की रास्ता यहाँ से आ रही है, एक घर की रास्ता यहाँ से आ रही है, और एक घर की रास्ता यहाँ से आ रही है, और वो जो मैन जो यहाँ से होता है, जो सभी को आपस में जोड़ता है, इस वाले पॉइंट को हब बोलते हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि वह स्थान जो सभी को जोड़ता है हब कहलाता है। अब बात आती है सवाल नंबर 50 की, आप संख्याओं पर मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाया है, इसलिए आप पूरा देखिए वीडियो को, और इसमें से आपको जरूर फंसेगा, आप कह नहीं सकते हैं कि सर इसमें से कुछ आया नहीं है। तो आप 50वें प्रश्न में जानेंगे कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज, वैसे तो आपने ब्रिज का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप सुन लीजिए कि छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, जैसे ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, इनको आपस में जोड़ना ब्रिज कहलाता है। ये वाला ब्रिज नहीं, आप समझ लीजिए। अब आप बताएंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क, अभी आपने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क कितने दूरी में तय होता है। तो या ये मान लीजिए मेरा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, तो एक दो घरों के मत के बीच को जो कनेक्शन जोड़ता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब बात आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो जैसे एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये है, तो इनको आपस में जो जोड़ता है वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब बात कर लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WID ये कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो नेटवर्क जो जैसे ये USA हो गया, और ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, हमारा सभी देशों को जो नेटवर्क जोड़ता है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क को आपस में जोड़े रखता है। तो ये जो होती है वो किस प्रकार से जोड़ता है, जो नेटवर्क होता है हमारा वो किस प्रकार से जोड़ता है। तो नेटवर्क के जो प्रकार हैं आमतौर पर ये चार तरह के, पांच तरह के होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हमारा एग्जामिनर हमसे कैसे पूछेगा और किस प्रकार से सवाल पूछेगा। तो सबसे पहले 60वां सवाल तो मेरा यही हो जाएगा कि जो नेटवर्क का जोड़ने का तरीका होता है उसे क्या कहते हैं। वैसे तो हम जोड़ना कहते हैं, लेकिन नेटवर्क को जोड़ना होता है वो क्या होता है, नेटवर्क एड, तो नेटवर्क एड कहते हैं टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी ही कहलाता है नेटवर्क को जोड़ना। अब टोपोलॉजी की बात आई है तो हम आपको बता दें कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, यानी कि नेटवर्क को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो ये पांच प्रकार से होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो 60वां, 61वां, 62वां, ठीक है, यहाँ से 65 तक हम आपके प्रश्न बन जाएंगे, इसमें बहुत प्रश्न आपको, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, तो हो जाएगा ये हमारी बस बस टोपोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी होती है स्टार, स्टार टोपोलॉजी। अब तीसरी है रिंग, रिंग आपने किसी को दी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आती है चौथी, ट्री टोपोलॉजी। अब ये ट्री हो गया, ट्री आप ट्री मत काटिए क्योंकि ट्री हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, और मेष टोपोलॉजी, यही हमारे मध्य में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर देती है मेष टोपोलॉजी, ठीक है, आपको मालूम हो गया कि मेष टोपोलॉजी कैसी होती है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जो मेष टोपोलॉजी है इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको बता दें होता ये स्टार की तरह है,
ठीक है, लेकिन इसको आपस में जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से जोड़ दिया था, इस प्रकार से बनी ये क्या होगी, मेश, मेश टोपोलॉजी। यहाँ से हमारे लगभग 70 तक पहुँच जाएंगे प्रश्न। अब बात आएगी स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी में आप ये वाला स्टार मत समझ लीजिएगा, ये स्टार टोपोलॉजी इस प्रकार से बनती है। कभी कभी इसका नेटवर्क पूछ लेते हैं कि किस प्रकार से, और इसमें पॉइंट डालने P1, P2, P3, P4, P5, इस प्रकार से नेटवर्क जुड़े होते हैं। अब बात आती है कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी तो आपने खूब गाड़ी देखी होगी बस टोपोलॉजी की, ठीक है, तो इस प्रकार से बस टोपोलॉजी होती है, एक यहाँ जुड़ा, 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 इस प्रकार से बस टोपोलॉजी का निर्माण होता है। अब बात आएगी ट्री टोपोलॉजी की। तो ट्री टोपोलॉजी होती है वो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस प्रकार से ट्री टोपोलॉजी बन जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग की तो बात मैं भूल ही नहीं सकता, क्योंकि रिंग बहुत पसंद है मुझे, ये रिंग बन गई है हमारी। तो रिंग एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस प्रकार बनेगी रिंग टोपोलॉजी। आप मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है। तो अब बात आएगी आगे 75 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जिसमें हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं, सभी ऐसे पेज जो हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं, आपने इंटरनेट पर देखा होगा या कहीं सुना होगा कि ये वेब पेज है, तो उसी को हम कहते हैं जो हाइपरलिंक के साथ जुड़े होते हैं, हाइपरलिंक HP के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें वेब पेज कहते हैं। अब वेब की बात आई है तो मैं बता दूं WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी, वाइड वेब, ठीक है, बहुत सुंदर ये सवाल। अब बात आएगी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेगा, तो आपको दे देगा याहू, गूगल, ओपेरा और फेसबुक। अब आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ये तो एक ही जैसे हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे जो हैं वो इंटरनेट पर काम ढूंढने का करते हैं, और ये है वो सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है, तो आप इसे देख लें। अब हमारा प्रश्न आएगा कि सूचना हमें किस प्रकार प्राप्त होती हैं, सूचनाएं हैं वो हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं, सूचना को हम कितने रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचनाएं जो होती हैं वो हमें दो ही रूप में प्राप्त हो सकती हैं, सिर्फ दो, दो रूपों में, ठीक है, दो रूपों में, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो दो रूप कौन कौन से हैं आपको वो बता दें, ठीक है, आपको वो बता दें कि दो हमारे कौन कौन से हैं। तो ये होता है हमारा एक टेस्ट, टेस्ट और एक ग्राफिक, ये दो रूप होते हैं, इन पर आप सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तीसरा कोई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब क्या है कि MICR, MICR, तो इसका मतलब क्या होता है, तो MICR मैग्नेट इंक करेक्टर रीडर, ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे ATM हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, वो काले रंग की जो पट्टी लगी होती है उसे हम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कह सकते हैं। अब बात आती है KYC की। तो RBI की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, RBI, तो RBI की स्थापना 1 जुलाई
ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप जान सकते हैं, वो 1935 में हुई थी। अब इसका 1935 में जब ये चालू हो गई, उस समय तो अंग्रेजों की सरकार रही होगी और ये प्राइवेट रही होगी, लेकिन जब 1950 में भारत आज़ाद हो गया तो भारत जैसे एक महान देश को बैंक की ज़रूरत थी, इसलिए 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि इसको सरकारी घोषित कर दिया गया। अब बात आती है एटीएम की, तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हमारा 90वां प्रश्न है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, अब बात आएगी जब एटीएम की, तो भारत में इसकी शुरुआत 1987 में हुई। कब हुई? 1987। ये आपको डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे आप ध्यान रखेंगे। अब जब एटीएम की बात आई है, तो एटीएम की खोज किसने की, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो एटीएम की खोज की थी ऑटो हन ने। आप राइटिंग पर मत जाइएगा, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऑटो हन ने एटीएम की खोज की थी और इसे भारत में 1987 में लगाया गया था। अब जब बात आती है इस तरफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, एटीएम में बैंक का आप खाता खोलेंगे तो खाता खोलने की जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो 91वें प्रश्न है हमारा, 28 अगस्त 2014। जी हाँ दोस्तों, 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत हुई थी और इसके अंतर्गत जो दुर्घटना बीमा है वो 1 लाख दिया जाएगा। जी हाँ, कितना? 1 लाख। आप ये मत जीरो पर मत ध्यान दीजिएगा, जीरो कितने भी हो सकते हैं लेकिन आपको 1 लाख ही पढ़ना है। और इसमें क्या है कि जो पीएमजेवाई की एक अटल पेंशन योजना चलाई गई है, जिसमें अगर आप 18 से लेकर 40 वर्ष तक के हैं तो आप अपनी उम्र के हिसाब से 54 रुपये से लेकर 53,000 रुपये तक, तथा बाद में जब 60 साल से ऊपर हो जाएंगे, ऊपर ऊपर मतलब ऊपर चले जाएंगे, तब आपको 3,000 से 5,000 के मध्य पेंशन दी जाएगी। ये आपके लिए बुढ़ापे में काम आएगी, इसलिए इस पेंशन को चालू किया गया है। अब बात आएगी कि बाइनरी पद्धति का आधार अंक क्या है, ये हो गया बाइनरी। बाइनरी का आधार 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1 होता है। अब आपके लिए दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब नहीं बताते हैं। अब बात आएगी 8 बिट बराबर क्या होता है, ये आपके पास दे दिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन मालूम कैसे दिए जाएंगे, 1 MB, 1 TB, 1 GB या 1 KB या 1 बाइट। तो आप 8 बिट बराबर क्या बताएंगे, 1 बाइट। ये सब, और आपसे एक प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि डाटा की सबसे निचली श्रेणी कौन सी है, यानी कि सबसे छोटा जो प्रारूप है वो कौन सा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी बिट है वो डाटा का सबसे छोटा रूप है। अब बात आएगी जो हमारा डाटा होता है वो थोड़े समय के लिए, अब जैसे किसी को अपने खेत में आलू लगाने हैं, ये देखिए, अगर थोड़े समय के लिए आलू लगाने हैं तो वो आलू को खेत के किनारे में रख सकता है 10-15 दिन के लिए, लेकिन जब उसको ज़्यादा दिनों तक रखने की आवश्यकता होती है तो वो कोल्ड जाता है। कोल्ड, इसे कोल्ड स्टोरेज समझ सकते हैं आप। तो वैसे ही जो डाटा को अल्प समय तक रखता है वो हमारा क्या होता है, क्लिप बोल्ड। और आप कोल्ड की बात करें तो कोल्ड में इस भाषा में हो जाएगा स्टोरेज, जिसे हम एसडी कार्ड के रूप में कह सकते हैं। अगर जैसे आपका, हम जैसे वीडियो डाल रहे हैं
तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेट पर अपना डाटा पहुंचाना क्या कहलाता है? तो इसे अपलोड कहेंगे, अपलोड। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना किया है कि मैंने वीडियो पर अपलोड कर दिया है। तो हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक तुमने, आपने, सभी मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे आप लाइक और कमेंट दोनों कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बताएं, हैकर कौन से लोग होते हैं? हैकर आपने बहुत से फिल्मों में देखा होगा, हैकर कौन होते हैं? हैकर, ठीक है, तो हैकर वो लोग होते हैं जो आपके घर से चुपचाप चोरी कर लेते हैं। जैसे आप घर में नहीं हैं, या आपने सो रहे हैं, या आपने देखा नहीं, और ये लोग चोरी कर लेते हैं। तो आपको ऑप्शन किस प्रकार से दिए जाएंगे हैकर क्या होते हैं? तो आपसे को दे दिया जाएगा बैंक मित्र, ये ऑप्शन दिया, हैकर होता है बैंक मित्र। ग्राहक, ग्राहक आपको ही ये हैकर बना देंगे, यानी कि ऐसे ऑप्शन देंगे कि आप फंस जाएंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। हैकर हैकर होता है, वो चोरी कर सकता है, इसलिए हैकर से सावधान रहें। और पहला कि जा, और ये हमारा 92वां प्रश्न है, क्या है कि प्रोग्रामिंग भाषा जावा है या नहीं है, इसमें ट्रू और फाल्स आपको बताना है। तो जी हाँ, प्रोग्रामिंग भाषा जावा है। अब हम बात करेंगे जिप की। तो जिप की फुल फॉर्म क्या होती है? जिप, ये वो वाली जिप नहीं जो आप रोज पेंट में लगाते हैं, ये वो वाली जिप है, जिप कंप्रेस्ड फाइल। जिप कंप्रेस्ड फाइल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब हमने जो लास्ट में एक प्रश्न रखा है वो है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आपके अपना भाई आलोक शाक, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसीलिए कंप्यूटर, COMPUTER, ठीक है। अगर कोई गलती हुई हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब टेक्निकल, ए का मतलब एजुकेशन। ये बहुत अच्छा शब्द है एजुकेशन। इससे हमारे देश में जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें कई सारे बच्चों ने, यानी कि लगभग सभी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। और आर का मतलब होता है रिसर्च, ये भी बहुत अच्छा है। इनका दोनों का अर्थ आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आएगी कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का अगर बात आ जाए, यहाँ पर आप फंसा लेते हैं, जो प्रश्न वाले होते हैं फंसा लेते हैं। तो अगर बात आ जाए तो कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा होता है, तो होता है असेंबल। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC, क्या है ENIAC, और ये अमेरिका में लगाया गया था 1946 में, ठीक है, 1946। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, ये हमारा 96वां प्रश्न है। हाउ टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इस प्रकार से तो आपको कितना, 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। अब जब बात आई है पीढ़ियों की, तो 97वें प्रश्न में हम देखेंगे कि IC चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें IC चिप, फर्स्ट वाले जो कंप्यूटर है उसमें जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, और जो सेकेंड वाले हैं उनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 98वें नंबर प्रश्न की, 98। तो 98वें प्रश्न में हम कहेंगे कि कंट्रोल ओ का अर्थ क्या होता है, सिंपल CTRL, कंट्रोल ओ तो ओपन हो जाएगा,
बी तो बेस्ट हो जाएगा, यू अंडरलाइन हो जाएगा, इस प्रकार से आपको मैं बी का मतलब बोल्ड हो जाएगा, जी का मतलब गो हो जाएगा। ये देखो 10-20% तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब टी का मतलब हैंगिंग हो जाएगा, ये क्या है? देखिए छोटे छोटे प्रश्न से आप ट्रिपल सी पास कर सकते हैं। अब आपके लिए और कुछ होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ, 99 प्रश्न है हमारा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं? तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स होता है और विंडोज होता है। आपने खूब सुना होगा विंडोज कंप्यूटर आया है, लिनक्स कंप्यूटर आया है, ठीक है? ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हमारा आज का और आखिरी प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है? अब भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? परम। लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये भी आपको याद रखना है, सुपर कंप्यूटर। तो शाक्यमुनि भगवान बुद्ध के नाम से जो सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर लगाया गया था, बंगलोर में लगाया गया था सिद्धार्थ के नाम से। अच्छा एक प्रश्न, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं, सिद्धार्थ ही था, सिद्धार्थ, ठीक है? अगर जैसे हम अगर गलती कर देते हैं और उसी भाषा में अगर कहें कंप्यूटर गलती कर दे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे बग। क्या कहेंगे? बग। अगर कोई कंप्यूटर गलती करता है तो उसे बग कहते हैं। वैसे तो और काफी बहुत से प्रश्न अभी बाकी हैं आपके, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पास हो जाएं यही हम चाहते हैं। तो आके इंटरनेट पर पहली पत्रिका कौन थी? तो इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका कौन सी थी? तो हमारा हो जाएगा इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, ठीक है? अब एक प्रश्न और आएगा आपके लिए, कंप्यूटर की आंधी कब आई? यानी कि आंधी, एकदम बहुत सारे कंप्यूटर आ गए हैं, बहुत सारी कंपनियों ने बनाने शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे एकदम एकदम। तो मालूम कब है? 1960 में, ठीक है? अब लास्ट में प्रश्न रह गए हैं,